हेलो, वो तुम्हारी है? ओ सॉरी, चल अपन आगे चलते हैं। अगले स्टॉप में आर्ट कॉलेज की लड़कियां चढ़ेंगी, उन्हें देखकर टाइम पास करेंगे। चलो आगे चलें। एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ? 7:45। अरे शुक्रिया तो कहो। बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स गुड। तू इतना क्यों सोच रहा है यार? टेंशन मत ले, काम मिल जाएगा। वो बात नहीं है, मैंने अपने दोस्त से 300 रुपए उधार मांगे थे और उसने मेरी इंसल्ट की। ए साहब, दान धर्म कीजिए साहब। क्या दान धर्म, जाओ यहाँ से। मेरा हाल भी तो तेरी तरह ही है। तो मेरे साथ चलकर भीख मांगो। चल भाग यहाँ से। एक मिनट रुक, मैं अभी आया। ए सुन। अरे साहब, पैसा देने के लिए आए ना, दीजिए ना साहब। तुम जो मांगोगी वो मैं दूंगा। हाँ साहब, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आप मुझे खाना खिलाएंगे तो मैं सब कुछ करूंगा साहब। ये लो 10 रुपए। अरे एक साबुन लो और सार्वजनिक बाथरूम में जाकर जल्दी से नहा कर आओ। मैं नहाऊंगी तो गंदी हो जाऊंगी सब, मैं सिर्फ मुंह धोकर। ठीक है मेरी माँ, जो करना जल्दी करके आ। हाँ साहब। भांजे तैयार है ना, मैं तेरे लिए रेड़ की रानी ला रहा हूँ। पहली बार बहुत नर्वस हो रहा हूँ। आइटम बॉब कटिंग करके आएगी ऐसा गोपाल ने फोन पर बताया है, मतलब वो आइटम हाई फाई होगी। मुझे तैयार हो जाना चाहिए, खुशबू आती रहनी चाहिए। ऊपर जाकर लेफ्ट में जाना। लेफ्ट मतलब जो हाथ से धोते हैं वो साहब। हाँ साहब। लेकिन पैसा जो ऊपर है वही दे देगा। हाँ, 10 रुपए से 1 रुपया भी कम दिया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसके साथ इंग्लिश में कैसे बात करूँ? एक्सक्यूज मी हनी, व्हाट इज योर नेम डार्लिंग? भांजे तू गया काम से। अरे यार, आइटम के आने के वक्त ही लाइट चली गई, क्या करूं? कोई बात नहीं है, ऐसे काम के लिए अंधेरा ही अच्छा होता है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, लगता है आइटम आ गई है। आहा, क्या बॉब कट है। अंदर आ जाओ ना, ही कोई देख लेगा। आ जाओ अंदर आ जाओ। अरे इससे पहले सभी लोग मुझे बाहर से ही भेज देते थे, लेकिन आज पहली बार आपने मुझे वापस बुलवाया है। इडियट्स, उन्हें असली खूबसूरती की पहचान नहीं होगी, लेकिन मैं खूबसूरती का पुजारी हूँ। मतलब आपको अंधेरे में मेरी खूबसूरती नजर आ रही है? चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तेरी बॉडी का शेप जो है कैटरीना कैफ, करीना कपूर की तरह है। आइटम बम लग रही हो एकदम। आजा आजा, टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी आ, जल्दी आ, आजा आजा आजा। हे रानी, तू इतना जोर से क्यों हंस रही है? अरे मैं कब हंसी? आपने मेरे कमर को हाथ लगाया और पल्लू में जो चिल्लर बांधे थे वो सब गिर गए। आओ मेरी जान, मेरी बाहों में आ जाओ, मजा करेंगे। अरे अरे साहब, आप क्यों रो रहे हैं? अरे मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ। मुझे तुम्हारे मुंह से 3-4 दिन पुरानी बिरयानी की बू आ रही है। अरे साहब, वो तो आते समय एक शादी में गई थी, वहाँ मैं वेज बिरयानी खाकर आई हूँ। अरे तो मेरे लिए भी लाना था। अरे साहब, मुझे 4-5 राउंड के बाद खत्म होते वक्त बड़ी मुश्किल से मिला। शादी में देर से पहुंची? हाँ हाँ। फिकर मत कर, सुबह होते ही मैं तुझे अच्छे से होटल में ले जाकर बढ़िया से बिरयानी खिलाऊंगा। मुझे खाना मिलेगा। वेरी ह्यूमरस गर्ल। कितने अच्छे इंग्लिश बोलते हैं साहब। अब तो आधा घंटा हो गया भांजे, तेरी जिंदगी का उजाला खत्म। लाइट चली गई थी, सॉरी, ये मेरी पहली सुहाग रात थी। अच्छा, क्या हुआ रे तुझको? इंसानों के पंत्रों की तरह क्यों खुजला रहा? ए ज्यादा मत बोल, इस तरह बदन खुजाने से खून का आवागमन अच्छा रहता है, ऐसा बाबा रामदेव रोज अपने प्रवचन में कहते हैं। इसमें भड़कने की क्या बात है? तू खुजा रहा था तभी तो उसने पूछा, कहीं तुझे कोई गुप्त रोग वगैरह तो नहीं हुआ ना? तू भी ना यार। ए भाई, बड़े भाई, चाचा, बाबा, ऐसी बात छोड़कर दूसरी बात नहीं कर सकता क्या? भिखारियों की तरह क्यों बात कर रहा है? ए
क्या हुआ है तुझे? सुबह से कुछ खोया खोया सा लग रहा है तू। मैं तुझे बताने वाला ही था, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार करती है नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखा, वो तुम्हें अच्छी तरह बताएंगे। ए, हिम्मत नहीं तो प्यार क्यों करता है? प्यार करता ना तू उससे तो जाके आई लव यू बोलना। हाँ मैं जाकर बोल दूंगा। हे सतीश, जल्दबाजी मत कर यार। मैं अगर नहीं कहूंगा तो इसी तरह तड़पता रहूंगा। मैं जाकर कह ही देता हूँ यार। सतीश, नहीं यार, प्यार में सब्र होना चाहिए। पहले वो लड़की तुझे चाहती है नहीं इस बात का पता लगा। हाँ चल, चलो रे। ए, हम पता कैसे लगाएंगे यार? कौन है वो लड़की? वो ग्रीन कलर चूड़ीदार वाली ना, कैसे पता चला? चल उधर चल के बैठते हैं। ए, वहां क्यों? चल ना। डर मत बेटा, सिगरेट है। ए, वो बैठी हुई है, देख लेगी। मार। अरे मार ना यार, वो इधर ही बैठी हुई है, देख लेगी, समझता नहीं। मार बोला ना। मैं नहीं पी सकता यार। अबे पी ना। आपको समझ में नहीं आता क्या? वो नहीं पीना चाहता तो फिर आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, आपको नहीं पता? आपको तो चप्पल से मारना चाहिए। आप ऐसे बुरे लोगों से दोस्ती क्यों करते हैं? गिरीश कैसा है? वो अब तक क्यों जी रहा है ये मैं सोच रही हूँ। वो ठीक होगा ये मुझे नहीं लग रहा है। तुम खुद ही जाकर उसे देख लो। ये 5 रुपए रखो और कोई दूसरा गाना आता है तो वो गाओ। अरे यार, अच्छा गाना गा रही थी और अचानक उल्टी करने लगी। गले में मंगलसूत्र भी नहीं है। आजकल के लोग तो भिखारियों को भी नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पर शूट कर देना चाहिए। अरे बाप रे, किसी के बारे में इस तरह की बात करना अच्छी बात नहीं है अशोक। पता नहीं वो बेचारी किसी मजबूरी की वजह से फंस गई होगी और वो इसकी फिगर की वजह से फंसा होगा। हो सकता है लाइट वगैरह भी चली गई हो। बिना सोचे समझे किसी के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? पेट गड़बड़ है। अब
मैं इधर से जाता हूँ। प्रेम, प्रेम, जिस दिन मुझे पता चला है कि मैं तुम्हारे मन में हूं, तब ये जो कविता मैं लिखने जा रहा हूं वो तुम्हें दूंगा। मेरी कविता, मेरे दिल की धड़कन हो तुम। फूल भी तुम्हें देखकर तुमसे प्यार कर बैठेंगे। तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरी बंदगी हो। तुम मेरी क्या हो ये तुम नहीं जानते। अशोक, अशोक कार को सर्विस के लिए दिया है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, अपनी बाइक पर छोड़ दो। हाँ, अभी चेंज करके आता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी। हाँ। इस कवर में क्या है? ओहो, मैंने कहा था इसीलिए उस काम के लिए एप्लीकेशन लिख कर रखा होगा। गुड। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए, इसे मैं ही पोस्ट कर देता हूँ। पिताजी। हाँ आ रहा हूँ बेटा। माय सन इज चेंज्ड अ लॉट। हाँ ये प्यार ईश्वर है। जाति धर्म भेदभाव इन सारी पहचानों से दूर वो सिर्फ प्यार की भाषा समझता है। इसे आप जरा साइड में रखिए। यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? इसको मैंने नहीं गिराया, किसका मुंह देख लिया है? आज सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, जहाँ भी जा रहा हूँ सब गड़बड़ा रहा है, लग रहा है आज भूकंप आने वाला है। मैं उठा रहा हूँ।